तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर फ्रैंकलिन पुलिस वालों की मॉन्स्टर पुलिस कार को मॉडिफाई करने वाला है, और सच में हम इस कार के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें लगाने वाले हैं, और लास्ट में हम इसे चला के भी देखेंगे। ऑल राइट यार, तो फाइनली मैं कब से एक्सरसाइज कर रहा था और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यार आज मैं जैसे ही सुबह उठा था ना, तो मुझे आया था पुलिस वालों का कॉल। देखो पुलिस वालों का कॉल मुझे क्यों आया था ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यार पुलिस वालों ने कॉल किया है फिर तो यार मुझे जाना ही पड़ेगा। और अभी फिलहाल मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पुलिस स्टेशन पे जाऊँ। और वैसे भी यार इस शहर के जितने भी पुलिस वाले हैं वो फ्रैंकलिन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और फ्रैंकलिन का तो अपना खुद का एक शोरूम भी है। आज वैसे मैं शोरूम पे नहीं गया हूँ, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं पुलिस वालों के पास। सबसे पहले हम पुलिस वालों के पास जाएंगे और देखेंगे कि भाई आखिर पुलिस वालों ने फ्रैंकलिन को क्यों बुलाया है। उसके बाद हम जाएंगे अपने शोरूम पे, बिकॉज शोरूम पे भी बहुत ज्यादा काम है। और यार एक तो चिंटू है भाई, इसको इतना काम मैं देता हूँ कि भाई हमारे शोरूम के अंदर इतना फेमस है हमारा शोरूम, हमारे शोरूम पे इतने सारे काम आते हैं, लेकिन फिर भी भाई वो टाइम से आता ही नहीं है। मतलब उसको हमेशा मेरे बाद आना है, मुझसे लेट आना है। मतलब देखो अभी फिलहाल बज रहे हैं 8, और 8 बजे मैं जा रहा हूँ शोरूम पे। मैं शोरूम पे पहुंचूंगा उसके बाद भाई वो सीधा 9 बजे आएगा, मतलब पूरे 1 घंटे लेट। भाई इतना लेट कौन आता है? मतलब मैं उस शोरूम का ओनर हूँ, और भाई होने के बाद भी वो बस मेरा दोस्त है, लेकिन हम दोनों पार्टनरशिप में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई वो इतना लेट क्यों करता है यार, उसका भी बिजनेस है। पर चलो कोई ना भाई, क्या ही कर सकते हैं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। वेल वो छोड़ो, फाइनली हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन पे। चलो फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और देखते हैं भाई यहाँ के पुलिस वाले क्या कहते हैं। बट यार एक सेकंड, मैं फिलहाल पुलिस स्टेशन के अंदर तो आ चुका हूँ, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ भाई यहाँ पे पुलिस वाले तो है ही नहीं। यार यहाँ पे पुलिस वाले है नहीं, मुझे क्यों बुलाया यार? तब एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेबल है, इससे बात करता हूँ। अरे हेलो कांस्टेबल, तुम्हें पता है क्या कि यहाँ के सारे पुलिस वाले कहाँ गए हैं? मुझे इन लोगों ने सुबह ही कॉल करके बुलाया था, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ के सारे पुलिस वाले गायब हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये सभी लोग गए कहाँ हैं? अरे फ्रैंकलिन, यहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे वो सारे के सारे चले गए हैं दूसरे शहर में, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन उन लोगों ने तुम्हें कॉल क्यों किया है ये मुझे पता है, रुको मैं बताता हूँ। अरे हाँ यार जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे शोरूम पे बहुत ज्यादा काम है और फिलहाल मैं काफी लेट हो चुका हूँ, तो बता दो उसके बाद मैं जाता हूँ शोरूम। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें हमारे लिए एक जायंट मॉन्स्टर थार बनानी है। अच्छा सिर्फ इतनी सी बात है? ओके फिर ठीक है, आज शाम तक मैं तुम्हें जायंट मॉन्स्टर कार लाके दे दूंगा। भाई नहीं, जायंट मॉन्स्टर कार चाहिए, लेकिन वो किस लिए भाई? पर चलो कोई ना यार, इन लोगों को चाहिए तो मैं लाके दे दूंगा, बट फिलहाल मैं चलता हूँ शोरूम की तरफ। लेकिन यार मैं शोरूम जाके क्या करूंगा भाई, शोरूम का काम चिंटू तो संभाल ही लेगा। हाँ यार एक दिन तो संभाल ही सकता है वो। देखो वैसे मेरा प्लान तो ये था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने शोरूम पे, क्योंकि यार शोरूम पे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन कोई ना चिंटू संभाल लेगा। भाई पुलिस वालों का काम काफी इंपॉर्टेंट है यार, मुझे इन लोगों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई आज जो है मैं इन पुलिस वालों के लिए सबसे पहले तो भाई एक बढ़िया सी जायंट मॉन्स्टर कार बनाता हूँ। अब वो कार कौन सी रहेगी भाई, कौन सी कार रखूँ? मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस वालों का ही जायंट मॉन्स्टर वर्जन में बनाता हूँ। अरे हाँ यार, अगर मैं पुलिस वालों की मॉन्स्टर कार को ही जायंट में कन्वर्ट करूंगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दूंगा, उसके बाद तो वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो भाई मैंने सोच लिया है, मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस वालों की जो मॉन्स्टर कार है उसी को जायंट करूंगा और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करूंगा। और मैं क्या करूं भाई, मैं सोच रहा हूं ना कि मैं उसके अंदर 8 टायर्स लगाता हूं, और साथ ही मैं उसके अंदर कुछ एग्जॉस्ट भी लगाने वाले हैं। और ये देखो भाई, फिलहाल आपने वीडियो के अंदर जो एग्जॉस्ट देखा है ना, हमें इसी वाले एग्जॉस्ट को लगाना है, बिकॉज ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है भाई, पुलिस वालों के कार के ऊपर काफी सूट भी करेगा। चलो फिर जल्दी से अपनी कार को उठाते हैं और सबसे पहले चलते हैं इस एग्जॉस्ट को लेने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इसे कार के अंदर लगा दूंगा ना भाई, फिर तो जो कार है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। वैसे देखो अभी मैंने अपनी कार इसलिए नहीं ली, बिकॉज यार देखो वो कितनी ज्यादा बड़ी है भाई, कौन चलाएगा उसे? बाइक चलाने में एक अलग ही मजा आता है, इसीलिए फिलहाल मैंने अपनी बाइक ले ली है। अब चलो जल्दी से इस बाइक को लेके चलते हैं उस वाली लोकेशन पे जहां पे हमें मिलने वाला है वो एग्जॉस्ट, और जहां तक मुझे पता है कि भाई वो मुझे यहीं सामने ही मिलने वाला है। मेरे ख्याल से मुझे आगे की तरफ जाना है। ऑलराइट यहीं पे चलते हैं भाई, यहीं कहीं मिलने वाला है मुझे। मेरे ख्याल से सामने वाली जो बिल्डिंग है ना भाई, इसी के नीचे हमें मिलेगा। चलो फिर यहां पे देखते हैं भाई यहां पे कहां है वो एग्जॉस्ट, यहां पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई। एक काम करता हूं, मैं यहां पे साइड में लेके इस बाइक को पार्क करता हूं, उसके बाद देखता हूं यहां पे। ऑलराइट ये देखो भाई, फाइनली हमें यहां पे एग्जॉस्ट मिल चुका है। और यार ना मैंने एक बहुत ही मस्त प्लान बनाया भाई, मैंने इस एग्जॉस्ट के साथ ही ना यहां पे एक बढ़िया सा लॉन्चर भी रख दिया है, क्योंकि यार देखो ये पुलिस वाले हैं तो भाई इन्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने यहां पे एक बढ़िया सा एग्जॉस्ट के साथ ही बढ़िया सा यहां पे मस्त लॉन्चर भी रख दिया है। चलो फिर फिलहाल हमें पहली चीज तो मिल चुकी है, अभी देखते हैं कि आखिर हमें और कौन कौन सी चीजों को फाइंड करना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं भाई, यहां पे हमें जायंट टायर चाहिए, और ये पूरे 8 के 8 टायर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। चलो फिर जल्दी चलते हैं और इन 8 टायर्स को फाइंड करते हैं, उसके बाद बनाते हैं एक बढ़िया सी जायंट मॉन्स्टर थार। वैसे यार जहां तक मुझे पता है कि इस जायंट टायर्स की
जो लोकेशन है भाई वो ना एक बहुत ही मस्त रास्ते पे है। लेकिन एक सेकंड भाई ये क्या हुआ यार, यहाँ पे फ्रैंकलिन का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया भाई। मैं यहाँ पे नीचे गिर गया और कितना ज़्यादा खून निकल चुका है यार यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, ये क्या हो गया, मैं हॉस्पिटल जाऊँ क्या यार। लेकिन इतनी भी चोट नहीं है भाई, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मतलब चोट तो लगी है भाई, दर्द भी हो रहा है, लेकिन इतना तो सही हूँ कि मैं जा सकता हूँ टायर्स को लेने के लिए। यार मैं क्या फालतू भाई टाइम वेस्ट करूं, मैं काम करता हूं, मैं चलता हूं भाई सीधा टायर्स को फाइंड करने के लिए। बिकॉज यार कोई बहुत ज़्यादा चोट तो आई नहीं है, मैं बस थोड़ा सा नीचे गिर गया था, लेकिन कोई ना, फिलहाल मैं बिल्कुल सही हूं। तो मैं काम करता हूं भाई, मैं चलता हूं टायर्स को लेने के लिए। और मुझे उन टायर्स की लोकेशन भी पता है, तो भाई उन्हें ढूंढने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। और फिलहाल तो रास्ता भी काफ़ी सही है भाई, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। पर यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जो वहाँ तक पहुँचने का यानी कि उन टायर्स के पास पहुँचने का जो रास्ता था ना भाई, फिलहाल वो ब्लॉक हो चुका है। बिकॉज वहाँ का जो रास्ता है भाई वो ख़राब हो गया है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन रास्ते के थ्रू। और ये देख सकते हो भाई ये कितना अजीबोगरीब रास्ता है भाई, यहाँ पे हमें कंटेनर्स के थ्रू ऊपर जाना पड़ता है। एक सेकंड, मैं नीचे ना गिर जाऊँ यार, यहाँ पे ध्यान से आना पड़ेगा। ओ शिट यार, मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ओ यार मुझे लग ही रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगा, और फिलहाल मैं नीचे गिर भी चुका हूँ। तो यार देखो हमें इन्हीं रास्ते के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज वो वाला रास्ता तो बंद है भाई, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए हमें इसी रास्ते के थ्रू ऊपर जाना पड़ेगा। और चलो यार अभी फिलहाल हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही करना पड़ेगा। फिलहाल मैं काम करता हूं, अपनी बाइक को जल्दी से यहां पे जंप करता हूं। ओके भाई ये वाली जंप तो काफी ज्यादा परफेक्ट थी, लेकिन एक सेकंड भाई मैं इस बार नहीं गिरना चाहता। और ये क्या भाई, मैं बिल्कुल गिरते गिरते बच गया यार, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन चलो कोई ना मैं बच गया। अभी फिलहाल यहां से भी आगे निकलते हैं भाई, यहां पे कितने सारे कंटेनर्स हैं, लेकिन कोई ना मैं बारी बारी इन सभी के सभी कंटेनर्स को क्रॉस कर दूंगा। ओके तो फाइनली मैंने इन सारे के सारे कंटेनर्स को इजीली क्रॉस कर दिया। अभी मुझे आई थिंक यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है ना, हाँ भाई यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं। ओके अभी भाई हमें यहाँ पे बस सीधे जाना है। ओके वहाँ से मुझे जंप करनी है यार, वो तो काफ़ी खतरनाक जंप होने वाली है, लेकिन कोई ना मैं जंप कर दूंगा भाई, चलो आराम से चलेंगे। ऑल राइट अभी मुझे यहाँ से जंप करनी है। ओके मैं रेडी हूँ भाई, बिल्कुल मस्त रेडी हूँ। और चलो भाई फाइनली मैंने यहाँ पे जंप लगा दिया, आई होप कि ये जंप बिल्कुल परफेक्ट हो। भाई गिरना मत यार प्लीज़। ओ यार तो देखो हमने क्या ही परफेक्ट जंप किया भाई, यहाँ पे मज़ा ही आ गया यार बिल्कुल। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी जंप कर पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मुझे सामने की तरफ जाना है। एक सेकंड आराम से, चलो भाई अभी सामने की तरफ चलते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक और जंप लगानी पड़ेगी। ओके भाई परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट, गिरना मत यार प्लीज़, गिरना मत। ओके चलो यार फाइनली हम फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से जंप करके और आगे आ चुके हैं। अभी सामने यहाँ पे कंटेनर्स रोटेट कर रहे हैं, तो आराम से निकलेंगे। और ये देखो भाई फाइनली हमें यहाँ पे हमारे सारे के सारे टायर्स मिल चुके हैं। और एक बार काउंट करो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई यहाँ पे टोटल 8 टायर्स हैं। और ये कितने ज़्यादा बड़े हैं भाई, एक साथ दो दो टायर्स लगने वाले हैं। कोई ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब दोनों के दोनों टायर्स साथ में लगेंगे। ऑल राइट यार तो फाइनली अभी हमने यहाँ से आठों के आठों टायर्स को भी फाइंड कर लिया है, और उसके साथ ही हमने एग्जॉस्ट को और साथ ही में लॉन्चर को भी फाइंड कर लिया है। लेकिन भाई सिर्फ इतनी चीज़ें फाइंड करने से कुछ नहीं होंगी, बिकॉज यार हमें मॉन्स्टर ट्रक भी तो चाहिए। हाँ भाई हमें मॉन्स्टर ट्रक नहीं चाहिए, हमें मॉन्स्टर कार चाहिए भाई, हमें एक बढ़िया सी मॉन्स्टर कार चाहिए जिसे हम मॉडिफाई करके पुलिस वालों के लिए बनाने वाले हैं। और फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ उस वाली मॉन्स्टर कार को लेने के लिए, और लास्ट में मैं उसे मॉडिफाई भी करूँगा। पर यार उस मॉन्स्टर कार को लेने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। एक सेकंड जंप करता हूँ। ओके पर यार अभी मुझे यहाँ पे मॉन्स्टर कार तो नहीं दिखाई दे रही है यार, मॉन्स्टर कार कहाँ पे है भाई? आई थिंक मुझे और आगे जाना पड़ेगा क्या यार? ये देखो भाई मेरा घर है यार, यहाँ पे जस्ट सामने मेरा घर है। फिलहाल घर को इग्नोर करते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे शायद से मुझे इस रास्ते के थ्रू और आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे वो मॉन्स्टर वाली कार मिलने वाली है। एक सेकंड आराम से, चलो भाई मैं चला जाऊँगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड तो रास्ता है नहीं। ओके आराम से चलते हैं भाई, इजीली मैं पहुंच सकता हूं। चलो भाई यहां पे मस्त जंप लगाते हैं। ओके अभी फिलहाल मैं इन सारी की सारी डस्टबिन के ऊपर आ चुका हूं, अभी यहां से राइट मुड़ना है। ऑल राइट आराम से भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी मुझे। अभी यहां पे एक और बढ़िया सी जंप लगाते हैं भाई, स्मॉल जंप, चलो यार ये काफी अच्छी थी। अभी यहां पे इन सारे के सारे डस्टबिन के ऊपर चलते हैं। ओके इजी पीजी भाई, इजी पीजी। अभी एक और बॉक्स है सामने, इसके ऊपर भी आ गया। अभी यहां पे हमें इसके ऊपर जाना है। ओके आराम से भाई, चलो यार फाइनली मैं इन ग्रासेस के ऊपर तो आ चुका हूँ। अभी सामने यहाँ पे डस्टबिन है भाई, तो इनके ऊपर भी इजीली जाएंगे। चलो आराम से पहले इस वाले के ऊपर, ओके फिर एक और जंप, चलो भाई बहुत सही। अभी सामने यहाँ पे और भी बहुत सारे डस्टबिन हैं, तो इजीली चलेंगे। ओके अभी सामने यहाँ पे जंप करते हैं, और मुझे यहाँ पे आराम से चलना पड़ेगा भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। मैं छोटी सी जंप करता हूँ। ओके यहाँ पे एक जंप लगाई, ओ भाई साहब क्या परफेक्ट जंप लगाई यार। अभी बस सामने जाना है भाई, मैं बहुत सही कर रहा हूँ। ओके आराम से भाई, इजी इजी
इजी, मैं इजीली जा सकता हूँ। ओके अभी यहाँ पे एक और जंप लगाते हैं। चलो भाई फाइनली यहाँ पे मैंने एक और जंप लगा दी। ओके अभी मैं इसके ऊपर आ गया, अभी यहाँ पे एक और बार क्लाइंब करना पड़ेगा हमें। ओ शिट यार मैं कितना सही था यार, पर कोई ना मैं दोबारा आ गया भाई, बहुत मेहनत लगी लेकिन कोई ना मैं दोबारा आ चुका हूँ। और भाई मैं वहाँ पे फोकट में गिर गया यार, मुझे गिरना नहीं था। चलो कोई ना क्या ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोबारा से फोकस करते हैं भाई, इस बार तो मैं कंप्लीट कर दूंगा ना। ओके आराम से, फिलहाल मैं रैम्स के ऊपर हूँ तो मुझे बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी देखो सामने यहाँ पे कितने सारे कंटेनर्स हैं, तो चलो हम वेट करते हैं और बारी बारी इन सभी के सभी कंटेनर्स पे जाते हैं। चलो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ पहले वाले कंटेनर के ऊपर, अभी ये सामने दूसरा वाला है। ओ शिट यार मैंने गलत टाइम पे जंप लगा दी यार, मैं यहाँ से नीचे गिर गया यार, मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पर कोई ना मैं दोबारा आ चुका हूँ। ओके इस बार आराम से करेंगे। चलो चलो आराम से इजी पीजी भाई। चलो अभी मैं चलता हूँ सेकेंड वाले कंटेनर के ऊपर। ऑल राइट अभी मैं चलता हूँ थर्ड भाई, जल्दी 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 भाई मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूँ। चलो फिलहाल मैं थर्ड वाले पे आ गया और फोर्थ वाले पे। शिट यार ये गलत हो गया यार, अरे यार जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब हो गया। पर कोई ना हम फिर से ट्राई कर लेते हैं यार, मुझे लगा कि मैं बस कंप्लीट कर ही दिया, लेकिन यार यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पर कोई ना हम दोबारा से इसे स्टार्ट कर दिए हैं। चलो भाई अभी यहाँ पे सामने एक और कंटेनर है तो इसके ऊपर चलते हैं भाई। अभी मुझे जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए ना। हाँ भाई पिछली बार यही गिरा था मैं, एक काम करता हूँ मैं इसको सीधा होने देता हूँ भाई, उसके बाद चलूंगा यार। जल्दीबाजी के चक्कर में बार बार मेरा काम खराब होता है, इसीलिए मैं इस बार ऐसे करता हूँ। चलो एक सेकंड ये वाला मिलने वाला है भाई, जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे उसके बाद मुझे यहाँ से आगे निकल जाना है। ओके चलो भाई फिलहाल मैं यहाँ से भी आगे निकल चुका हूँ। अभी सामने यहाँ पे एक और कंटेनर है। ऑल राइट अभी मैं इसके ऊपर आ गया, अभी बस सामने यहाँ पे एक और बचा है तो इसको भी सीधा होने देते हैं। चलो 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 हो गया हो गया, बस इजी पीजी भाई आराम से। चलो यार फाइनली हम इसके ऊपर भी आ चुके हैं। अभी यहाँ पे सामने हमें उस ग्रास वाले ट्रैक के ऊपर जाना है तो इजीली भाई वेट करते हैं यहाँ पे। चल भाई सीधा हो जा सीधा हो जा सीधा हो जा। ओके चलो भाई फाइनली यहाँ पे ग्रास वाला ट्रैक भी मिल चुका है। ओके भाई क्या ही जंप थी यार, अभी यहाँ पे हमें इजी चलना है। ओके इस पे कर चलते हैं भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे यार, इजी पीजी करेंगे हम, जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब होता है। चलो भाई आराम से, यहाँ पे एक और बॉक्स है इसके ऊपर चलते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है तो इसके ऊपर आराम से चलना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पे डस्टबिन्स लगे हैं तो इनके ऊपर भी बारी बारी चलते हैं। ऑल राइट यहाँ पे ये क्या है भाई, आराम से इजी पीजी, ये तो सीमेंटेड वाला पता नहीं क्या, शायद छोटा सा सीमेंट ब्रिक है, पर कोई ना हम तो इसे भी क्रॉस करेंगे यार आराम से। अभी यहाँ पे बारी बारी चलते हैं। ओके एक जंप, यहाँ पे एक और जंप, चलो भाई आराम से। ओके भाई मैं बहुत सही कर रहा हूँ। अभी सामने यहाँ पे एक और कंटेनर है तो हमें भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो यार आराम से। ऑल राइट अभी आराम से चलते हैं। चलो भाई यहाँ पे एक और कंटेनर आ चुका है और मैं इसे भी क्रॉस कर दिया भाई, जंप कर दे। ओके भाई क्या ही मस्त जंप की मैंने। चलो भाई ये तो काफ़ी सही था। अभी यहाँ पे सामने एक और कंटेनर आ चुका है तो यहाँ पे भी थोड़ा वेट करते हैं और इसे सीधा होने देते हैं। चलो भाई ये हो रहा है सीधा, एक काम करो जंप लगाऊँ क्या। अरे भाई क्या ही मस्त जंप है यार, फ्रैंकलिन के अंदर तो बहुत पावर है, ये तो ईजिली चढ़ जा रहा है। चलो भाई अभी और वेट करना पड़ेगा। ओके तो फिलहाल मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। अभी सामने यहाँ पे देख सकते हो भाई लेफ्ट साइड में और भी बहुत सारे डस्टबिन्स हैं तो भाई आराम से। चलो एक पहले वाले, ओ शिट यार फिर से मैं गिर गया, पर कोई ना मैं दोबारा आ चुका हूँ इतनी मेहनत करके। भाई मैं गिर कैसे गया यार, बहुत मेहनत लग जाती है भाई ऊपर आने में, पर कोई ना क्या ही कर सकते हैं। ऑल राइट यहाँ पे और भी ग्रासेस हैं तो मैं ईजी जाऊँगा। चलो भाई एक और ग्रास। ऑल राइट अभी यहाँ पे एक लास्ट ग्रास बचा है, चलो भाई इसके ऊपर भी आ गया। अभी यहाँ पे कितने सारे कोन्स हैं भाई, इनके ऊपर ईजी पीजी। चलो यार मैं क्या ही मस्त क्रॉस किया मैंने इसे। अभी सामने यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक बॉक्स पड़े हुए हैं तो इनके ऊपर भी इजी पीजी चलेंगे। चलो भाई आराम से, ये पहला वाला बॉक्स आ गया। ओके भाई दूसरे पर चढ़ना यार, चलो यार दूसरे पर नहीं चढ़ा। ओ शर्ट में गिरते गिरते बच गया यार, चलो कोई ना यहाँ फिर से जंप करते हैं। ओके अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक और बॉक्स है तो इसके भी हम आराम से जंप करेंगे। चलो ओके मैं इसके ऊपर भी आ गया। अभी यहाँ पे आराम आराम से भाई, ये तीन स्टेयर्स टाइप का बनाया बॉक्सेस का। चलो भाई इसके ऊपर भी आ गया। ऑल राइट अभी मुझे बस राइट साइड की तरफ जाना है और वहां पे हमें मिलने वाला है भाई वो हमारा मॉन्स्टर कार। चलो भाई आराम से इजीली, अभी बस हमें यहां पे भाई ध्यान देना पड़ेगा। चलो यार यहां पे ये बटा यहां पे बॉक्स है, चलो इसके ऊपर चलते हैं। ओके अभी यहाँ पे ये दो और बचे हुए हैं भाई डस्टबिन टाइप के। एक सेकंड यार भाई ये क्या हो गया, अब तो मैं गिर गया होता, लेकिन चलो कोई ना भाई फाइनली हम बच चुके हैं। और ये देखो यार यहाँ पे हमें मिल गई पुलिस वाली थार, सॉरी ये पुलिस थार नहीं है, ये जाइंट पुलिस कार है भाई, मॉन्स्टर कार है। और ये देखो भाई ये कितनी कमाल की है, लेकिन इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा ना, इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही मज़ा आएगा। तो मैं काम करता हूँ मैं इसे लेके चलता हूँ पुलिस स्टेशन पर। और ये देखो भाई फाइनली मैं इसे लेकर के आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन पर। और ये देखो भाई यहाँ पर मैं इस कार के अंदर सारी की सारी चीज़ें फिट करना
करना शुरू कर दिया हूँ। और ये देखो भाई, यहाँ पे ये है लॉन्चर, और ये लॉन्चर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये देखो भाई, फाइनली हमारी कार रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट लगाया है और उसके ऊपर यहाँ पे लॉन्चर लगाया है। और भाई इसके टायर्स देखो, वाकई में काफी कमाल के हैं भाई, कितने जाइंट जाइंट टायर्स लगाए मैंने। अब दिखने में तो बहुत कमाल का लग रहा है। चलो फिर जल्दी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसा चलता है यार, बिकॉज ये पुलिस वालों को चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं। तो चलो फिर इसे चलाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी स्पीड कैसी है। भाई साहब इसकी स्पीड तो वाकई में काफी कमाल की है यार, ये बहुत ज्यादा अच्छे चलती है। एक काम करता हूँ, इसे रोटेट करता हूँ, और ये भाई क्या ही मस्त तरीके से रोटेट भी होती है यार, ये तो वाकई में मैंने काफी कमाल की चीज बनाई है। अब एक काम करता हूँ भाई, विलेज एरिया साइड पे चलता हूँ। ऑलराइट, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।